नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। सुशासन और नागरिकों का जीवन सुगम बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों का लोकार्पण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वाराणसी प्रशासन ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के उस स्थान को सील किया जहां शिवलिंग मिला है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में, भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया। भारत के स्थित कौर साम्राज्य जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 17 रन से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में कारावास के दौरान बंदी जीवन पुस्तक की रचना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल। श्री सान्याल रास बिहारी बोस के निकट सहयोगी थे और उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा नेता माना जाता है। सचिंद्र नाथ सान्याल गदर पार्टी षड्यंत्र का भी हिस्सा थे, जिसमें देशभर में ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद की तस्करी करने की योजना बनाई गई थी। सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में कारावास के दौरान उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं छत्तीसगढ़ में जसपुर नगर जिले के गुरगुरी गांव के सुधीर टोपो। मैं सुधीर टोपो, जिला जसपुर नगर छत्तीसगढ़। मैं अपने सभी देशवासियों को आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर आकाशवाणी के परिवार को जिसने अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हम अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जान पाते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 80वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो मैसूर के गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की और 1925 में खद्दर सहकार संघ की शुरुआत की। प्रश्न फिर सुन लें, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो मैसूर के गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की और 1925 में खद्दर सहकार संघ की शुरुआत की। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कुशल प्रशासन और लोगों का जीवन सुगम बनाने संबंधी व्यापक विषयों पर बातचीत हुई। लखनऊ आने से पहले श्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर जिले में महानिर्वाण स्तूप पर प्रार्थना की। यहां भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा है। बताया जाता है कि इसी स्थल पर उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नेपाल में लुम्बिनी की यात्रा के बाद कुशीनगर पहुंचे थे। लुम्बिनी में उन्होंने बौद्ध संतों की उपस्थिति में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चिवर समर्पित किया। लुम्बिनी में जनसमुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध संपूर्ण मानवता के लिए शांति और अहिंसा के मूर्त स्वरूप हैं। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। नेपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित होगा। भारत और नेपाल ने 6 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के लिए डॉक्टर अंबेडकर पीठ तथा काठमांडू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पीठ स्थापित करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे एक डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित 5G टेस्ट बेड भी जारी करेंगे। इस परियोजना को 2 अरब 20 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह तकनीक भारतीय उद्योगों तथा स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का भी शुभारंभ करेंगे। परियोजना में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों में IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIS बेंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इस परियोजना को 220 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। टेस्ट बेड भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के लिए एक सहायक इकोसिस्टम को सक्षम बनाएगा जो इन्हें 5G और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप, समाधान और एल्गोरिदम को सत्यापित करने में मदद करेगा। ट्राई की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत की गई थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्र आज स्वदेशी युद्धपोत निर्माण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का साक्षी बनेगा। मुंबई के मझगांव बंदरगाह लिमिटेड पर भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दोनों आयोजनों में मुख्य अतिथि होंगे। सूरत प्रोजेक्ट 15वीं विध्वंसक युद्धपोत श्रेणी का 4था युद्धपोत है और इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी पर रखा गया है। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का 3रा युद्धपोत है जिसका नामकरण आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रेणी पर हुआ है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उस इलाके को सील कर दिया है जहां वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग पाया गया था।
वाराणसी जिला अदालत ने अधिकारियों से मस्जिद परिसर के अंदर वजूखाना क्षेत्र को सील करने को कहा था। एडवोकेट आयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट आज अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद इस मामले की वाराणसी की अदालत में सुनवाई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। सुशासन और नागरिकों का जीवन सुगम बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों का लोकार्पण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वाराणसी प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के उस स्थल को सील किया जहां शिवलिंग मिला है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया। भारत की सिफ्त कौर सामरा ने जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 17 रन से हराया। कंपटीशन के अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष निलंबित रही अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से आरंभ होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। हैदराबाद की कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने टीके कोर्बेवैक्स की कीमत निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता को इसकी कीमत 400 रुपये प्रति टीका देनी होगी और इसमें सभी तरह के कर और शुल्क शामिल होंगे। कोर्बेवैक्स टीके को देश में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाने की अनुमति दी गई है। इस बीच देश में अब तक 191,46,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4,42,00,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। 75वें कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित संगीतकार एआर रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। एक रिपोर्ट। ये महोत्सव इटली में वेनिस फिल्म महोत्सव और जर्मनी में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ बिग 3 प्रमुख यूरोपीय फिल्म समारोहों में से एक है। साथ ही ये बिग 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक है, जिसमें प्रमुख यूरोपीय फिल्म समारोह कनाडा में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और संयुक्त राज्य अमरीका में सनडांस फिल्म महोत्सव शामिल है। महोत्सव के इस संस्करण में अभिनेता टॉम क्रूज को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक का महोत्सव में प्रीमियर होगा। समारोह के इस संस्करण में भारत कान फिल्म बाजार में आधिकारिक रूप से सम्मानित देश है। ये पहली बार है जब किसी देश को ये सम्मान दिया गया है और ये सम्मान ऐसे समय में दिया गया है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कांस में प्रदर्शित होने वाली भारतीय फिल्मों की श्रृंखला में आर माधवन अभिनीत रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, मराठी फिल्म गोदावरी, हिंदी फिल्म अल्फा बीटा गामा, मिशिंग भाषा की फिल्म बुम्बा राइड, हिंदी और मराठी फिल्म धुईन, मलयालम फिल्म ट्री फुल ऑफ पैरट्स का विश्व प्रीमियर शामिल है। आकाशवाणी समाचार से रवि कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज सालबाई संधि की वर्षगांठ है। सालबाई संधि से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों ने हस्ताक्षर किए थे। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने अक्टूबर 1781 में अंग्रेजों के साथ समझौता किया। इसके तहत सिंधिया संधि के बारे में पूना काउंसिल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का द्वीप सालसेट अपने पास रख लिया और महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम में अपने सभी क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। सालबाई की संधि भारत में इंग्लैंड के शासन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। अंग्रेजों को वैसे तो केवल सालसेट द्वीप ही मिला, लेकिन इस संधि से सिद्ध हो गया कि भारतीय शासक मिलकर कार्य नहीं करते और यहाँ तक कि मराठा शासकों में भी मतभेद है। इससे अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने उस समय के भारत में सबसे ताकतवर सत्ता पर बढ़त हासिल की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 17 मई 1939 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। महावीर सिंह महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से देश वालों महावीर सिंह का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे विद्यालय के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 में कानपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महावीर उस समय के अन्य युवा क्रांतिकारियों से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। महावीर 1927 में लाहौर चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय। सॉन्डर्स हत्याकांड के संबंध में महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया और द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आरोपित थे। महावीर को आजीवन निष्कासन की सजा दी गई। अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल में खराब जीवन दशाओं और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद क्रूरता का दंश झेलते हुए 17 मई 1939 को महावीर का निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी दौलत राव नाइक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने 17 मई 1879 को उनकी हत्या कर दी थी। दौलत राव रामोशी ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना महान मराठी स्वाधीनता सेनानी वासुदेव भड़के ने की थी। जीवन अपुले सार्थ करा रे, राष्ट्रभक्ति निस्वार्थ करा रे, एकजुटी ने कार्य कराया देश।
दौलतराव नाइक महाराष्ट्र के सतारा के थे। वे 1879 में बलवंत फड़के के रामोशी रिवोल्यूशनरी ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश कारोबारियों से धन जुटाने के कई अभियानों में भाग लिया। दौलतराव 17 मई 1879 को तालेगांव में ब्रिटिश पुलिस की गोली से मारे गए। वीर दौलतराव को शत शत नमन। हम शहीद शेर मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। शेर मोहम्मद खान ने संपत्ति और हथियार कब्जाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों के उद्देश्य से स्वाधीनता सेनानियों का समूह बनाया। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने शेर मोहम्मद को पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्ति लूटने तथा अंग्रेजों से विद्रोह करने के आरोप लगाए गए। उन्हें बीड़ियों में जकड़कर सश्रम और आजीवन कारावास की सजा दी गई। 17 मई 1858 को अंडमान की सेलुलर जेल में शेर मोहम्मद खान की मौत हो गई। आकाशवाणी की ओर से उन्हें नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक सूचना। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देशों की यात्रा पर हैं। वे कल जमैका पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद अपनी यात्रा के दूसरे दिन हीरोज गार्डन गए। मार्कस गार्वे की समाधि पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रपति गवर्नमेंट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जमैका के राष्ट्रपति गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से मुलाकात की। राष्ट्रपति किंगस्टन गए, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय की उपस्थिति में आम्बेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। कल के अंतिम कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय और भारतीय मित्रों के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जमैका में भारतीय मूल के लोग हमारे सांस्कृतिक संबंधों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हमारी बहुपक्षीय साझेदारी को समृद्ध बनाते हैं। The deep root of our cultural linkages and enrich our multifaceted partnership. The Indian diaspora is a living bridge between our two countries. It is a matter of pride for us that members of the Indian diaspora are recognized at the highest level for their contribution to Jamaica. We are very proud of the achievements of the Indian community in Jamaica. जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 10 हो गई है। भारत की सिफ्त कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारत की आशी चौकसी ने कांस्य पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 12 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 17 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में निर्धारित समय से 6 दिन पहले पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम की ओर से तेज हवा चलने के कारण तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अगले 2 दिन में तेज वर्षा की संभावना है। उधर असम में बाढ़ से अभी कोई राहत नहीं मिली है। राज्य के 20 जिलों में लगभग 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ के कहर से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। 20 जिलों में बाढ़ से लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी ने फसल भूमि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कई जगहों पर सड़क संपर्क को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। लगभग 33,000 बाढ़ प्रभावित लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं और जिला प्रशासन उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। कई मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले चुके हैं। NDRF और SDRF को बचाव
बचाव कार्य में लगाया गया है। बाढ़ के साथ साथ कई जिलों में भूक्षरण की भी खबर है। जल स्तर बढ़ने के कारण जोरहाट और माजुली के बीच फेरी सेवाएं बंद हैं। दूसरी ओर लुमडिंग डिवीजन के तहत NF रेलवे दक्षिण असम में रेलवे ट्रैक बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ और भूस्खलन से दीमा हसाओ जिले में रेल बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। आकाशवाणी गुवाहाटी से मानस की रिपोर्ट के साथ मनोज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल की यात्रा के दौरान ये कहना भारत नेपाल की दोस्ती मानवता के हित में, अमर उजाला की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, पीएम ने कहा हमें एक धागे में पिरोता भगवान बुद्ध के प्रति हमारा विश्वास। लोक सत्य कहता है नेपाल और भारत के संबंध हिमालय जैसे अटल। उधर नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के इन विचारों को दिया है कि नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे। ज्ञानवापी मामले में सर्वे के तीसरे और अंतिम दिन सिविल जज के आदेश पर स्थान को सील करने की खबर हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों में है। दिव्यांग बच्चों को विमान में न चढ़ने देने के मामले में इंडिगो पहली नजर में दोषी, डीजीसीए की 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है 10 दिन के अंदर एयरलाइन कंपनी को देना होगा इस मामले में जवाब। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का श्रीलंका संकट के बीच ये कहना कि एक दिन का पेट्रोल स्टॉक शेष, भारत की मदद से चल रहा है काम, राजस्थान पत्रिका की खबर है। दैनिक जागरण की खबर है बुजुर्गों के हौसले को निजी क्षेत्र देगा उड़ान। पत्र के अनुसार केंद्र की पहल पर बुजुर्गों को नौकरी देने के लिए आगे आए उद्योग, ऑनलाइन पोर्टल शुरू, 4000 से ज्यादा बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन। राजस्थान पत्रिका ने राहत का इंतजार शीर्षक से लिखा है उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों की तपिश के बीच अंडमान पहुंचा मानसून। केदारनाथ, यमुनेत्री और गंगोत्री में दर्शन के लिए पंजीकरण के स्लॉट बुक हो जाने से हजारों तीर्थयात्रियों की मायूसी हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है बिना दर्शन के लौटने को तैयार नहीं चार धाम तीर्थयात्री। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल बांदीपोरा में प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान से प्रशिक्षित एक आतंकवादी और एक महिला आतंकवादी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री तथा हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। 6 वाहन भी जब्त किए गए हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो मैसूर के गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की और 1925 में खद्दर सहकार संघ की शुरुआत की। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। सुशासन और नागरिकों का जीवन सुगम बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों का लोकार्पण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वाराणसी प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के उस स्थल को सील किया जहां शिवलिंग मिला है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्से में पहुंचा। प्रतिष्ठित कान फिल्म समारोह आज से फ्रांस में। भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया और भारत के सिफ्ट कौर सामरानी जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।